सीएम योगी का बड़ा ऐलान, लगातार चलेगा स्वच्छता अभियान। यूपी के 75 जिलों के 750 निकायों में चलेगा ये स्वच्छता अभियान। 75 घंटे के नॉन स्टॉप स्वच्छता मिशन में खत्म होंगे सभी कूड़े के ढेर। योगी सरकार बनाने जा रही इन सभी जगहों पर सेल्फी पॉइंट। यूपी के सभी जिलों के निकायों को निर्देश जारी, कल से हो रही इसकी शुरुआत। टॉप 3 निकायों को इस मिशन के अंतर्गत उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। जी, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से देश के सभी राज्यों से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की है, जहां इसकी शुरुआत कल यानी 1 दिसंबर से हो रही है। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को तो आपने देखा ही होगा, जो पूरे भारतवर्ष में लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से हर एक आम जनता अपने घर के अलावा बाहर अपने आसपास हर एक जगह को साफ सुथरा और स्वच्छ रख रहा है। मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से अब हर एक नागरिक जागरूक हुआ है। लेकिन इसी बीच मोदी के स्वच्छ भारत अभियान जैसा ही एक अभियान चलाने का फैसला लिया है प्रदेश के मुखिया योगी ने। यूपी को और भी ज्यादा साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने को लेकर यूपी के 75 जिलों में अब सफाई को लेकर एक अलग अभियान चलने जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के 75 जिलों के 750 निकायों में लगातार 75 घंटे तक ये अभियान कल से शुरू हो रहा है। तो चलिए आप भी जान लीजिए कि योगी के इस स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कुछ निर्देश अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया है, साथ ही क्या कुछ है प्लानिंग जिसके माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी में 75 घंटे का चलेगा स्वच्छता अभियान, खत्म होंगे कूड़े के ढेर, बनेंगे सेल्फी पॉइंट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा लगातार यूपी को हर एक तरीके से बेहतर बनाने की है, और सभी को लेकर योगी का प्रयास लगातार 6 सालों से चल रहा है। इसी क्रम में अब स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों यानी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को पूर्णतः विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित करने की सरकार की एक पहल है। इस अभियान को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन नगर निकाय निदेशालय ने अपनी तरफ से सभी नगर आयुक्तों को पत्र जारी कर इसके बारे में बता दिया है। आपको बताते चले कि इन स्थानों पर सफाई के बाद सौंदर्यीकरण भी होगा और कई स्थानों को सेल्फी पॉइंट के तौर पर विकसित किया जाएगा। आपको बताते चले कि अभियान की शुरुआत योजनाबद्ध प्रचार प्रसार के साथ की जानी है। नगर निकायों को जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि अभियान के सफल संचालन हेतु आवश्यकता के अनुसार ट्रक, जेसीबी, मैजिक आदि संसाधनों की व्यवस्था निकायों के द्वारा पहले ही कर ली जाए। इस मिशन की रिकॉर्डिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा। इसके लिए DSLR कैमरा, ड्रोन इत्यादि की भी बड़ी व्यवस्था की जाएगी। चिन्हित स्थानों का होगा सौंदर्यीकरण। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सभी जनों को स्वच्छ करने के बाद में उसका सौंदर्यीकरण होगा, उसके बाद उन जगहों को सेल्फी पॉइंट्स के तौर पर विकसित किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों को आवंटित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच की व्यवस्था एवं पेड़ व गमला भी लगाया जाएगा। इन सभी स्थान को एक नजीर के रूप में विकसित किया जाएगा और भविष्य में भी इसकी निरंतरता को बनाए रखा जाएगा, ताकि लोग यहां कूड़ा फेंकने के बजाय अपना कीमती समय व्यतीत करें। इस मिशन के अंतर्गत राज्य के टॉप 3 निकायों को मिलेगा पुरस्कार। योगी आदित्यनाथ के स्वच्छता मिशन को लेकर टॉप 3 निकायों में आने वाले निकायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को 3 मुख्य श्रेणियों में रखा जाएगा, नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। वही जनसंख्या आधारित 5 उप श्रेणियों को भी राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार की राशि क्या होगी फिलहाल इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 3 निकायों को पूरे प्रदेश में प्रचारित किया जाएगा और दूसरे निकायों के लिए उन्हें आदर्श निकाय के लिए बनाया जाएगा।